जाओ पीछे से। अरे हट जाओ ना यार, क्या बात है। आपने ऑलरेडी ले लिए ना फोटोज? हाँ हाँ हाँ। हिट जोड़ी आज के वीडियो में आपको आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है इसके बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चा रहती है। दोनों शादी के बाद से ही खूब चर्चा में रहते हैं, मगर अब उनका बेबी होने वाला है तो इसको भी लेकर काफी ज्यादा बातें बनती रहती हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपने रिलेशनशिप को लेकर पहले इतने ज्यादा वोकल नहीं थे और वो इस बारे में बात नहीं करते थे, बट अब वो दोनों खुलकर अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले रणबीर कपूर ने बताया कि वो आलिया पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि वो सोते से पहले, वॉशरूम जाने से पहले, खाने से पहले, हर काम करने से पहले आलिया से पूछते हैं और आलिया से पूछने के बाद ही वो कोई काम कर सकते हैं। आलिया के बगैर उनका बिल्कुल भी गुजारा नहीं। ये सब सुनकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए फैंस के, रणबीर कपूर कितने ज्यादा लविंग है, कितने ज्यादा केयरिंग है कि वो अपनी वाइफ की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। और इसी सब को लेकर जब आलिया भट्ट से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की गई तो आलिया भट्ट ने एक ऐसा आंसर दिया जिसको लेकर सारे शॉक रह गए। जी हाँ, आलिया भट्ट ने बहुत ही प्यार से बताया कि वो बिल्कुल भी दो जिस्म एक जान नहीं है। आलिया भट्ट का कहना था कि वो और रणबीर कपूर दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं और दोनों एक दूसरे से अलग सोच रखते हैं और दोनों एक दूसरे की अलग सोच का मैनर करते हैं। दोनों एक दूसरे की अलग सोच के बारे में अलग ओपिनियंस रखते हैं और इसलिए दोनों दो जिस्म एक जान नहीं है। दोनों की अलग सोच है और दोनों इसी में बहुत ज्यादा खुश हैं। आलिया भट्ट का कहना था कि वो अपने आप में पूरी हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो रणबीर कपूर के साथ को अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा एडमायर करती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जिसके थ्रू वो अपने रिलेशनशिप को आगे चला रहे हैं। आलिया भट्ट के इस रिएक्शन ने सबको ही शॉक कर दिया। जी हाँ, बातों बातों में आलिया भट्ट ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। आलिया भट्ट ने बता दिया कि वो बहुत डोमिनेटिंग है और उन्हें रणबीर कपूर की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो रणबीर कपूर से पूछ कर कुछ नहीं करती हैं और उनका जो दिल करता है वो अपनी इंडिविजुअल सोच के मुताबिक वो सब कुछ कर लेती हैं, जबकि दूसरी तरफ रणबीर कपूर को उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल फील्ड में आलिया भट्ट रणबीर कपूर से कहीं ज्यादा आगे हैं, बॉलीवुड में उनकी कहीं ज्यादा चलती है और रणबीर कपूर काफी पीछे हैं। तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में भी आलिया भट्ट ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और रणबीर कपूर उनसे परमिशन लेके ही कुछ कर पाते हैं। आपको आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा और आपको आलिया भट्ट का रिएक्शन कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।